शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। वहीं इसी के चलते हरियाणा के रेवाड़ी में आप कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार का पुतला फूंककर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन की मार झेल रहे अभिभावकों को स्कूल फीस में राहत दिलाई जाए और एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जाए। आप कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नायब तहसीलदार का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे आप और सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह ने कहा कि जो एनसीईआरटी की किताबें पहली कक्षा से लगनी चाहिए उन्हें ना तो पहली से लागू किया जा रहा है और ना ही छठी से लागू किया जा रहा है, केवल नौवीं कक्षा से एनसीईआरटी की किताबें लगाई जा रही हैं। वहीं स्कूल की फीस में वृद्धि के अलावा अन्य कई प्रकार के फंड भी लिए जाते हैं जो कि बंद होने चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर स्कूल फीस कम नहीं की गई तो वह स्कूल के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान मौजूद एक महिला अभिभावक ने कहा कि हर साल बच्चों की किताबें बदल दी जाती हैं और स्कूल की फीस में भी हर साल बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिसके कारण गरीब लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल हो रहा है। उधर अपने बचाव में स्कूल प्रिंसिपल दीवान सिंह ने कहा कि ये वो लोग हैं जो ब्लैकमेलर हैं और दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जबकि स्कूल द्वारा पहले ही जरूरतमंद छात्रों की फीस कम की जा चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से विवाद के चलते स्कूल प्रशासन की देखरेख में चलाया जा रहा है, जिसका जिम्मा नायब तहसीलदार को सौंपा गया है। इसलिए आप कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार का पुतला फूंक कर अपना रोष प्रकट किया है। बंद करो। एनसीईआरटी की किताबें लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। नायब तहसीलदार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। एनसीईआरटी की किताबें लागू करो। हम अपना अधिकार मांगते। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। एनसीईआरटी करो लागू करो। एनसीईआरटी की किताब लागू करो। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। आप हमारे साथ आ जाओ। यही तो बोल रहे आपके साथ है, तो मतलब यूं बोल रहे सब बड़ी बोल रहे। आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे कोई बात नहीं। हम बंद करो। यूं तो किसान आंदोलन में बैठे 4 महीना हो गया, वो ये तक ना उठे बेचारे। तो भाई ये तो ये मामूली चीज है। ये तो प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। एनसीईआरटी की किताबें लागू करो। एनसीईआरटी की किताबें लागू करो। नायब तहसीलदार मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी एनसीईआरटी की किताबें लागू करो। एनसीईआरटी की किताबें लागू करो। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद। नायब तहसीलदार मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। शिक्षक अधिकार लेके रहेंगे। हम अपना हर साल शिकायत करते आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर नायब तहसीलदार को बनाया, उनको अभी कुछ दिन पहले शिकायत भी दी थी कि एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं कर रहे, केवल 9वीं क्लास से लागू कर रहे हैं, जबकि सभी स्कूलों के अंदर लागू करने का नियम है पहली क्लास से ही है। तो ना तो 6ठी से कर रहे हैं ये, और हर साल किताबें बदल भी देते हैं प्राइवेट स्कूलों की। जो एक बहन एक परिवार में 2-3 बच्चे थे, उनकी 10,000 की किताबें आएंगी, 12,000 की आएंगी, और उसको अगले साल बदल देंगे, और वो रद्दी के भाव बेचनी पड़ती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का खेल है। जब हम नायब तहसीलदार को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं स्कूल और प्रशासन मिला हुआ है। यही मांगे कि एक तो हर साल एनुअल चार्ज वगैरह ना लिए जाए, एक एनसीईआरटी की किताबें लागू करो। सरकार ने नियम बनाए हुए कि 1ली, 6ठी, 9वीं और 11वीं एडमिशन फीस लगनी चाहिए, लेकिन ये हर साल लेते हैं, ये एनुअल चार्ज लेते हैं, पीपल फंड लेते हैं, अलग अलग फंड लेते हैं नाम बदल के, और प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक लगाते हैं वो भी हर साल बदल देते हैं। कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी का खेल है। आज हम चेताने आए हैं, या तो सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे, प्रशासन इन पर कार्रवाई करे, अन्यथा नहीं तो हम और ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे, और लोगों को इकट्ठा करेंगे, और पेरेंट्स को अभी एकजुट करेंगे और सरकार के खिलाफ। आधे तो भड़क रहे हमारे पे, आधे वैसे हो रहे हैं, ये तो इनकी गलत बात है ना। हम अपने लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए भी, सबके बच्चों के लिए ये कदम उठा रहे हैं।
कोई हमें शौक तो है नहीं। आपकी मांग क्या है? मांग यह है कि ये बच्चे जो हैं किताबें बदल देते हैं हर साल, इनका हर साल क्या है, कभी बिल्डिंग फंड, कभी चार्ट फंड, कभी कुछ, हर कुछ बदल देते हैं हर चीज़ में। इनसे कहिए कुछ ना फीस भी कम करिए, हर चीज़ कम करिए थोड़ा बहुत, जब होगा। गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, आप बताइए जी। हमारे यहाँ पूरे रेवाड़ी शहर में जितने पब्लिक स्कूल हैं उन्हें सबसे कम फीस है। जितनी फीस वो लोग एडमिशन पे लेते उससे कम तो पूरे साल में लेते हैं हम। हमारे रिजल्ट उनसे अच्छे हैं और फिर हम उन बच्चों की हेल्प भी करते हैं। अगर ज़रूरतमंद कोई बच्चा है तो आप ये देखेंगे कितने लोगों की हमने फीस माफ़ कर रखी होगी। आप अंदाज़ा लगाओ, इनको देखें ऐसे ऐसे चार पाँच बंडल बने हुए हैं, कितनी हेल्प करते हैं। ये जो कंप्लेनेंट है जो संजय शर्मा, ये ब्लैकमेलर है, ये सभी स्कूलों को ब्लैकमेल करता है, लोगों से पैसे लेता है। हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं, मैं इम्प्लॉई हूँ, कहाँ से पैसे दूंगा इसको, तो इसलिए यहाँ जाके हरकतें करते हैं ऐसी ऐसी। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है, जितने लोग इकट्ठे किए हैं वो ना पेरेंट्स हैं, वो सारे इसके बुलाए हुए ऐसे इसके जानकार हैं लोग हैं, और वो आम पार्टी, कौन सी आम आदमी पार्टी, उससे जुड़े हुए हैं, उनकी बड़ी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ज़रूरतमंद की तो हम करते हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कितना हमारे पास, ही देखो कितने लोगों की हमने फीस माफ़ कर रखी है। ये संस्था बनी गरीब लोगों के लिए है, उनकी हेल्प के लिए है। और ये आदमी अगर ऐसी हरकतें करता रहा, एक ना एक दिन इस संस्था को बंद करवा देगा और कितने गरीब लोग वंचित रह जाएंगे पब्लिक स्कूल की एजुकेशन। एनसीईआरटी और प्राइवेट को फ़र्क ही नहीं रहा, उसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं और एक्सरसाइजेज उसी बुक में करनी होती है, वो पुरानी किताब किसी बच्चे के दोबारा काम नहीं आती। मैं उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ कैसी कैसी एक्सरसाइजेज हैं, आप ये देखेंगे इसमें, ये देखो ये चीज़ें हैं, ये एक्सरसाइज बुक के अंदर होती हैं। तो क्या करेगा बच्चा दोबारा इस बुक का पुरानी का। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।